आज है 25 दिसंबर, ऐसे क्रिसमस। सो आज हम देखेंगे कि क्रिसमस बैंकॉक में कैसे मनाया जाता है। वैसे ही मनाया जाता है, वैसे तो क्रिसमस वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा पॉपुलर है, बट यू नो बैंकॉक में सब फॉरेनर्स एंड सब कल्चर्स के लोग हैं, तो बैंकॉक में क्रिसमस बहुत फेमस है। और ये एवरी आप यहाँ बैंकॉक में देखेंगे तो भयंकर वाली डेकोरेशन चलती रहती है और सब जगह ट्रीज। हम निकल गए हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो भी हम जा रहे हैं सेंट्रल वर्ल्ड मिलते हैं। सो जैसा कि क्रिसमस चल रहा है तो मेरी बिल्डिंग में भी काफ़ी सारे डेकोरेशन हो रखे हैं एज ए क्रिसमस को लेके। मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर क्रिसमस काफ़ी जो है बनाया जाता है। देखो फाइनली मैं निकल चुका हूँ बैंकॉक के लिए। मैंने बुक की है ग्रैब। आज बैंकॉक में काफ़ी गर्मी है, आप देख रहे होंगे टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ सेंट्रल वर्ल्ड। जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी सारी भीड़ हो रखी है, भयंकर भीड़ है, क्योंकि आज क्रिसमस है तो सभी लोग यहाँ पर शॉपिंग करने और एंजॉय करने आए हैं। ये देखिए ये बंदा करतब दिखाते हुए। क्रिसमस है आज तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। सबसे पहले यहाँ पे अपन दर्शन करते हैं गणेश जी के। यहाँ गणेश जी की काफ़ी अच्छी मान्यता है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे गणेश जी बने हुए हैं यहाँ पे। मैं आपको उनके दर्शन कराता हूँ। आ गए हैं बैंकॉक स्ट्रीट फूड, ये सेंट्रल प्लाजा में है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रीट फूड मिलेंगे, अपन चलो अंदर चलते हैं देखते हैं जूस वगैरह जो भी है वो लेते हैं। थोड़ा डिस्कस्टिंग होगा जो लोग वेजिटेरियन हैं एज मी, काफ़ी भीड़ लगी। पूरा जो सेटअप लगा हुआ है वो क्रिसमस थीम पर है। काफ़ी सारे स्ट्रीट फूड्स है, आप यहाँ पे बैठ के मस्त खाना खा सकते हैं और अपने स्ट्रीट फूड्स को एंजॉय कर सकते हैं। ये सोचता हूँ मैंगोस माय फेवरेट। और जैसे हम आप सामने देख रहे हैं वहाँ है ना क्रिसमस ट्री, बिगेस्ट क्रिसमस ट्री इन बैंकॉक आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। या वेरी क्राउडेड पीपल्स हियर एंड दे गिव सो मच गिफ्ट सेट्स और यू कैन बाय एनीथिंग फॉर एल्स एंड फॉर योर फैमिली।
और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रांड ऐसे जो अपने प्रमोशन कर रहे थे, जो कि सब अपने अपने जो प्रोडक्ट है वो फ्री में ही दे रहे थे। तो आप यहाँ पर रॉकस्टार जैसे एनर्जी ड्रिंक एंड पॉपकॉर्न्स एंड चॉकलेट्स वो सब फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आए थे वो सब फ्री में दे रहे थे कि देखो हमने भी ली है रॉकस्टार इस एनर्जी ड्रिंक, ओके यस ये फ्री है। यहाँ पर अब शो स्टार्ट होने वाला है, इससे पहले ये जो भी कलाकार हैं वो बच्चों के साथ फ़ोटो सेल्फी खिंचा रहे हैं। काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा मेकअप और काफ़ी अच्छा ड्रेसअप इन्होंने कर रखा है, तो इनका शो है काफ़ी अच्छा। चलो हम एंजॉय करते हैं इनका शो।
kids see how huge Christmas tree here. सब जगह आज क्रिसमस का माहौल है, सब रेड ड्रेस में है और जितना हो सके सब शॉपिंग कर रहे हैं, हॉलीडे भी और मना रहे हैं। जगह देखेंगे लड़कियों ने, सब ने क्रिसमस वाले बक्कल लगा रखे हैं। और ये है बैंकॉक का ट्रैफिक, जो कि काफ़ी हमेशा ही ऐसा लगा रहता है। आज देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, पूरा फ्लाईओवर भरा पड़ा है, नीचे भी भरा पड़ा है, ऊपर भी भरा पड़ा है। अपन क्लोजली देखेंगे भी तो मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं। पता नहीं चाइना में तो कोरोना फैल रहा है, यहाँ भी क्या होगा। बट अच्छा है, माहौल बना हुआ है अच्छा खासा। आप यहाँ देखेंगे लोग एंजॉय कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं कोई, और सब ने प्रोटेक्शन भी ली हुई है, सब मास्क पहन के डोल रहे हैं, बिना कोई मास्क के कोई भी नहीं है। जितने भी लोग हैं सब ने मास्क पहने, सो गाइस प्लीज़ वियर मास्क इन इंडिया ऑल्सो। नाव हम आ गए हैं बीचों बीच जो इको शो चल रहा है, ये काफ़ी मतलब कैमरे में जस्टिफाई नहीं होगा, काफ़ी सुंदर लग रहे थे लोग ये और काफ़ी अच्छे थे। इसके कुछ कुछ मैंने स्लो मोशन लिए हैं, ठीक है आप एंजॉय कीजिए स्लो मोशन इसके थोड़ी बहुत बाद। बैंकॉक में लोग काफ़ी अच्छे हैं, इनका स्वभाव काफ़ी अच्छा रहता है। अब देखिए इसमें फ़ोटो खींचने के लिए इन्होंने अपना आप लाइन बना रखी है, ये इन्होंने खुद से ही लाइन बनाई, कोई मैनेजमेंट नहीं, केवल इसके अंदर फ़ोटो क्लिक करने के लिए लाइन बना रखी है। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं, नाउ हम घर जा रहे हैं। सो ये है बैंकॉक का फेमस मॉल टर्मिनल 21, इधर भी क्रिसमस की काफ़ी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है, देख सकते हैं अपन जैसे। सो गाइस दिस इज़ द क्रिसमस ब्लॉग, आई होप यू गाइस एंजॉय, इफ़ यू गाइस एंजॉय प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, होप्स सो मच लव फ्रॉम योर साइड।